इसके पहले इसी सेशन थ्री में ही हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस के दो क्वेश्चंस लिए थे। एक क्वेश्चन को हम लोग समझ चुके हैं, उसको सॉल्व कर चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन रह गया था जिसके बारे में मैंने तुम्हें हिंट दिया था कि ये सेकंड क्वेश्चन भी फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है, दोनों सेम कंसेप्ट पे है। ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसको स्टेटमेंट में थोड़ा सा इसने घुमा दिया है। उस एक चीज़ को यदि तुम समझ लोगे तो तुरंत ही नेक्स्ट स्टेप में तुमको समझ में आ जाएगा कि ये पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही हो गया। तो हम लोग इसको भी समझते हैं कि पहले ये उस तरह के क्वेश्चन में कैसे कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन ये जिस तरह से दिया हुआ है क्या उसी तरह से ये सॉल्व हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कैसे इसको सॉल्व करेंगे सो देखो। क्वेश्चन था कि बाय सेलिंग 40 पेंस अ शॉपकीपर सफर्स अ लॉस इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेंस, फाइंड हिज लॉस परसेंट। इतना तो बतला दिया इसने कि लॉस हो रहा है क्वेश्चन में, इतनी तो गनीमत है, पहले वाले में तो ये भी पता नहीं था। ठीक है, जब इसको भी हम लोग उस तरह में टर्न अप करेंगे ना तो पता नहीं चलेगा ये क्या है नहीं है, लेकिन चूंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है लॉस हो रहा है तो इसको लॉस हो रहा है। कह रहा है कि 40 पेन जब उसने सेल किया तो उसको 10 पेंस के सेलिंग प्राइस के इक्वल उसको लॉस हो गया। जो जो दिया हुआ है हम लोग पहले उसको लिख लेते हैं, ठीक है, और हम लोग इसमें एज्यूम करेंगे, बिना एज्यूम के तो ये बनेगा नहीं। हम लोग इसमें क्या करेंगे, चूंकि सेलिंग प्राइस लिख रहा है, हम लोग इसमें कॉस्ट प्राइस तो तुमने बहुत एज्यूम किया होगा, हम लोग इसका सेलिंग प्राइस एज्यूम करते हैं। देखो, लेट द एस पी ऑफ वन पेन रुपीज़ वन एक्स रुपीज़ टेन, तुम कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। इसके पहले वाले को एक्स करके ही बनाया था, इसको रुपी वन करके बनाते हैं, ठीक है ना, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। यदि तुम एक्स करोगे तो जहाँ जहाँ रुपीज़ वन है वन आएगा वहाँ एक्स करना, सेम प्रोसेस से बन जाएगा, कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। रुपी वन, सो कितने से कितने पेंस के सेलिंग प्राइस की बात चल रही है, 40 के, तो हम लोग लिखेंगे सो द एस पी ऑफ 40 पेंस कितने हो जाएंगे, रुपीज़ 40। ये एक क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 40 पेन का सेलिंग प्राइस है, तो 40 पेन का सेलिंग प्राइस रुपीज़ 40 हो गया। उसके बाद कहता है कि इसको लॉस हो गया, लॉस कितना हुआ इसको, जो लॉस हुआ वो इक्वल है एस पी ऑफ 10 पेंस। अब ये बताओ कि एक पेन का एस पी यदि एक रुपी है तो 10 पेन का एस पी कितना हो जाएगा, रुपीज़ 10 ही, 10 पेन का एस पी रुपीज़ 10 होगा, फाइन। अब ये सिंपल सा कैलकुलेशन हो चुका है कि हमारे पास एस पी दिया हुआ है और लॉस भी मिल चुका है हमें, एस पी और लॉस है, तीसरी क्या चीज़ बच गई, कॉस्ट प्राइस। हम लोग कॉस्ट प्राइस निकालते हैं, बट कॉस्ट प्राइस जो हम लोग निकालेंगे वो कितने पेन का निकलेगा। हम लोग यहाँ पर कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, इसको जो सेलिंग प्राइस है और लॉस हुआ है 10 रुपीज़, तो सेलिंग प्राइस में लॉस को जब हम लोग ऐड कर देते हैं हमें कॉस्ट प्राइस मिल जाता है। ये सिंपल सी बात है, तुम लोग समझते होगे, सेलिंग प्राइस है चूँकि कॉस्ट प्राइस से लॉस लगा है ना, तो कॉस्ट प्राइस से कम होगा, कितना कम होगा, तो जो लॉस लगा है वही, तो जब सेलिंग प्राइस और लॉस को तुम लोग ऐड कर दोगे कॉस्ट प्राइस हमें मिल जाता है। तो हम लोग इस दोनों को ऐड करके कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं, लेकिन ये जो कॉस्ट प्राइस निकलेगा ये कितने पेन का होगा, एक जनरल चीज़ बतला दे रहे हैं। यदि ये कॉस्ट प्राइस में क्वांटिटी यदि कुछ नहीं दी हुई है तो याद रखना जितने की सेलिंग की बात चल रही है उतना ही के कॉस्ट की बात चलती है। यदि 40 पेन वो बेच रहा है तो ऑब्वियस है कि उसने 40 पेन खरीदा होगा तभी 40 पेन बेच रहा है, बिना खरीदे हुए तो नहीं बेच देगा ना वो। तो ये जो अभी कॉस्ट प्राइस निकलेगा इसको और इसको ऐड करने से वो 40 पेंस का होगा। कहने का मतलब सी पी ऑफ 40 पेंस कितने हो जाएंगे, रुपीज़ 40 प्लस रुपीज़ 10, ये हो गया रुपीज़ 50, फाइन। एक पेन का एसपी तो हमें है, सीपी चाहिए एक पेन का, तो इसका लॉस या प्रॉफिट, चूंकि इसमें लॉस दिया हुआ है तो लॉस है, तो लॉस निकल सकता है, यहीं से निकल जाएगा। सो सीपी ऑफ वन पेन कितना हो जाएगा। अच्छा चलो, ये तो हम लोग फिर उस पर चले गए, यानी ये तो दूसरे मेथड से बनने वाला है, इसको मिठाओ, ये तो बहुत शॉर्ट मतलब कि छोटा सा मेथड है। सीपी ऑफ 40 पेन रुपीज 50 हो गया, सीपी है और लॉस है, गेन पर लॉस परसेंट हम लोग, सॉरी सीपी है और लॉस है, हम लोग लॉस परसेंट आसानी से निकाल सकते हैं। लॉस परसेंट इसका क्या हो जाएगा, लॉस अपॉन सीपी इनटू 100। लॉस कितना है, 10 रुपीज़ 10, सीपी कितना है, रुपीज़ 50 इनटू 100। इस रुपीज़ से ये रुपीज़ कट गया, 50 से ये 2 टाइम्स कट गया, हमारे पास कितना आ गया, 10 इंटू 2 20%, यही इसका लॉस परसेंट है। यदि इस क्वेश्चन को तुम इसी एटीज जिस तरह से मैं दिया हुआ है यदि इसी में तुमको इसको बना देना है,
कोई बड़ी बात नहीं है, देखो कितने सिंपल ढंग से छोटे में बन गया है ये, ठीक है। लेकिन इससे ना हमें कुछ सीखने को नहीं मिला, मतलब क्या इससे, इस क्वेश्चन को कैसे समझ सकते हैं और कैसे समझ के बना सकते हैं, ये कुछ ज़्यादा इसमें सीखने को नहीं मिला। वो तो एसपी दिए हुए था तो एक रुपये हमने मान लिया, 40 पेन का एसपी निकाल दिया, कह ही रहा था कि लॉस लगा इसको, एसपी ऑफ 10 पेंस के तो एसपी ऑफ 10 पेंस 40 हो गया, दोनों को ऐड करके सीपी निकाला हमने, अब सीपी और लॉस दिया हुआ है तो लॉस परसेंट तो कोई भी निकाल लेगा। कुछ ज़्यादा समझने को नहीं मिला, ठीक है ना। अब देखो जरा इसको समझो, हम लोग चलते हैं इसको कैसे टर्न करेंगे पहले वाले क्वेश्चन की तरफ, उसकी तरफ चलते हैं। कह रहा है कि 40 पेन बेचा तो इसको 10 पेन के बराबर सेलिंग प्राइस के बराबर में लॉस हो गया। 40 पेन इसने बेचा है तो 40 पेन खरीदा भी होगा, लॉस इसको कितना का हो गया, 10 पेंस के इक्वल, 10 पेंस के सेलिंग प्राइस के बराबर। एक चीज़ देखो, नॉर्मल सा फॉर्मूला होता है लॉस, लॉस बराबर क्या होता है, ये हो जाता है तुमको सीपी माइनस एसपी होगा या एसपी माइनस सीपी होगा, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं, तो ये याद करने की चीज़ नहीं है, समझने वाली बात है। यदि तुम एसपी से सीपी को, सेलिंग प्राइस से सीपी इस कॉस्ट प्राइस को माइनस कर रहे हो, इसका मतलब सेलिंग प्राइस ज़्यादा है और कॉस्ट प्राइस छोटा है। सेलिंग प्राइस ज़्यादा होने का मतलब है कि उसको प्रॉफिट हो गया, और यहाँ पर लॉस की बात चल रही है, इसका मतलब है कि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा और बिकेगा उसका कम, मतलब ना लॉस होगा, तो जो कम होगा उसका माइनस कर दो, सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी, ठीक है, इतना लोग समझ रहे हैं। अब इसको जरा तुम जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं उस पर फिट करो, इस जो फॉर्मूला है ना इसको इसमें हम लोग डालते हैं जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं, वो लॉस की जगह पर वो क्या बोल रहा है, वो लॉस की जगह पर बोल रहा है लॉस उसको कितना हुआ, एस पी ऑफ 10 पेंस, यही उसको लॉस हुआ है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस हम पहले ही बोल चुके हैं कि जब 40 पेन बेचने की बात चल रही है तो 40 पेन खरीदने की ही बातचीत होगी, कॉस्ट प्राइस का ऐसा कुछ भी क्वेश्चन में नहीं दिए हुए हैं, तो इसको हम लोग सीधे लिखेंगे सी पी ऑफ 40 पेंस, ठीक है, माइनस यहाँ है एस पी की बात है क्वेश्चन में, एस पी में क्या टर्म दिए हुए हैं, एस पी ऑफ 40 पेंस यही दिए हुए हैं, ठीक है, यही फॉर्मूला है जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं, लॉस के टर्म, लॉस की जगह पर जो दिए हुए हमने उसको लॉस की जगह पर डाला, और जो सेलिंग प्राइस की जगह पर दिए हुए हैं हमने उसको क्वेश्चन इस फॉर्मूले में डाल दिया, ठीक है। अब इससे हमें कॉस्ट सीपी ऑफ 40 पेंस निकालना है, कैसे निकाल सकते हैं, यदि सीपी ऑफ 40 पेंस इधर आएगा तो ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, सीपी ऑफ 40 पेंस इक्वल्स टू एसपी ऑफ 10 पेंस प्लस एसपी ऑफ 40 पेंस, कहने का मतलब सीपी ऑफ 40 पेंस क्या हो जाएगा, एसपी ऑफ 10 पेंस, और ये इस साइड आके प्लस हो जाएगा, प्लस एसपी ऑफ 40 पेंस, ठीक है। इन दोनों को तुम क्लियरली ऐड कर सकते हो, सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेंस और सेलिंग प्राइस ऑफ 40 पेंस एक ही डीलिंग की बात है, ऑब्वियस है जो भी एक यूनिट की प्राइस होगी वो सेम ही होगी, अलग अलग नहीं बोल रहा है, तो इसका मतलब इस दोनों को जब तुम ऐड करोगे तो ये हो जाएगा एसपी ऑफ 50 पेंस। कहने का मतलब ये कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 पेंस इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 50 पेंस। तुम अब इजीली समझ सकते हो कि ये जो स्टेटमेंट है ये तुमको पहले वाले क्वेश्चन पर ले जा चुका है, यदि उस टर्म में इस क्वेश्चन को लाओगे तो क्या होगा, सेलिंग प्राइस ऑफ 50 पेंस इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 पेंस, इक्वल है दोनों में, यही हुआ ना, सेलिंग प्राइस ऑफ 50 पेंस इक्वल इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 पेंस, फाइंड इज लॉस और गेन परसेंट, ऐसा ही था पहला क्वेश्चन, तो इसमें तो हमने पहले ही पता है कि इसको लॉस लग रहा है इसलिए उस पर टेंशन नहीं लेना है, लेकिन हम लोग निकालेंगे, निकलेगा तो वो भी निकल जाएगा कि लॉस है, लेकिन ये इतने इतना करने के बाद दो ही स्टेप में ये चला गया फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह ही, सेलिंग प्राइस ऑफ 50 पेंस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 पेंस। अब इजी हो जाएगा, हम लोग को कुछ नहीं करना है, एज्यूम कर लेना है, लेट द सी पी ऑफ 1 पेन इज इक्वल एक्स मान लेते हैं, उसमें 1 माना है ना, इसमें एक्स मान लेते हैं, तो क्या होगा, सी पी और सी पी ऑफ कितना 40 पेंस कितना हो जाएगा 40x। अब हमें एसपी चाहिए, एसपी कैसे निकला उसको देखो, ये लिख रहा है एसपी ऑफ, ये क्वेश्चन हम डिटेल में बना चुके हैं दो दो तरीके से, इसके पहले वाले में हम लिंक दे देंगे उस वीडियो का, उसमें जाकर उसको देख लेना, उसमें सेम यही क्वेश्चन है, एसपी इस तरह से है कि एसपी ऑफ इतना आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ
सॉरी कॉस्ट प्राइस ऑफ इतना आर्टिकल्स, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट, उसको समझ लोगे तो यहाँ से समझने में आसानी होगी, फिर भी हम बतला दे रहे हैं, लेकिन देख लेना उस वीडियो को भी। तो ये लिखता है एस पी ऑफ 50 पेंस इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 पेंस, और कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 पेंस कितना निकाला है हमने, 40x, फाइन। सो एस पी ऑफ वन पेन कितना हो जाएगा, 40x अपॉन 50, कट करोगे ये 4x अपॉन 5 आ गया। ध्यान दो, कॉस्ट प्राइस क्या आया, कॉस्ट प्राइस है एक पेन का x और सेलिंग प्राइस एक पेन का 4x अपॉन 5, यहाँ 1 है और यहाँ 4 अपॉन 5 है, 4 अपॉन 5 जो होता है सो 1 से छोटा होता है, ठीक है। फ्रैक्शन में तुम लोगों ने पढ़ा होगा, ये इम्प्रॉपर, सॉरी ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो ये लेस हुआ और ये ज़्यादा हुआ, कहने का मतलब कि सेलिंग प्राइस कम हो गया कॉस्ट प्राइस से, तो लॉस लग गया इसको। खैर वो हमें पहले भी पता है इस क्वेश्चन में कि इसको लॉस लग रहा है, कितना लॉस लगा, थोड़ा सा यहाँ आ जाओ, इसको लॉस लग गया, कैसे निकालेंगे, एक्स माइनस 4x अपॉन 5 सी पी माइनस एस पी, कितना हो जाएगा ये 5, ये हो जाएगा 5x माइनस 4x इक्वल्स टू एक्स अपॉन 5, ये इसको लॉस लग गया, निकालना क्या है, लॉस परसेंट, बहुत सिंपल है। लॉस परसेंट का मतलब होता है लॉस, लॉस इसको कितना लगा, एक्स अपॉन 5 अपॉन सी पी कितना है, ये एक पेन पर प्रॉफिट लॉस हुआ है इसको, तो सी पी भी हम लोग सॉरी हाँ कॉस्ट प्राइस भी एक ही पेन का एक्स इंटू 100। ये फ्रैक्शन का डिवीजन है, क्या करते हैं लोग, इन्वर्ट एंड मल्टीप्लाई, इसको भी बहुत डिटेल में शायद पहले वाले सेशन में हमने इसको समझाया था, वो समझना, वो समझ जाओगे तुमको पता चलेगा कि ऐसा भी होता है मैथमेटिक्स में। तो x अपॉन 5 अपॉन x, इन्वर्ट एंड मल्टीप्लाई का मतलब हो गया x अपॉन 5, ये x है इन्वर्ट होके 1 अपॉन x हो जाएगा, और ये जो डिवीजन है सो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है यही हमने बतलाया है इसके फर्स्ट वाले सेशन में, बहुत इंटरेस्टिंग है वो। ये हो गया और इंटू 100 तो है ही, x से x कट गया और ये 5 से ये 20 टाइम्स चला गया, ये हमारे पास आ गया क्या 20, लॉस परसेंट है तो ये 20%, ठीक है। ये इस तरह से बन गया, यदि तुम इसमें कि हमने x माना है 1 मान लेते तो क्या होता, यहाँ 1 होता तो ये 40 पेंस का रुपीज़ 40 हो जाता, ये भी 40 हो जाता और ये 40 अपॉन 50 हो जाता, अल्टीमेटली ये 4 अपॉन 5 आता, जो हमने लिखा है ना ये 4x अपॉन 5 है, x की वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये 4 अपॉन 5, लॉस इसको होता 1 माइनस 4 अपॉन 5 तो ये 1 अपॉन 5 हो जाता, और यहाँ सिंपल चलाता 1 अपॉन 5 अपॉन 1 तो ये 1 अपॉन 5 इंटू 1 इंटू 100, अल्टीमेटली 100 अपॉन 5 ही रहता। उस तरह से भी एक बार प्रैक्टिस जरूर करना तुम लोग, 1 करके यदि हम x बना रहे हैं तो तुम 1 करके प्रैक्टिस करो, यदि कभी हमने 1 बनाया है तो तुम x करके प्रॉफिट प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मैथमेटिक्स प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करता है। तो ये इस तरह से ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व किया, और ये जाना कि कैसे फर्स्ट क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एक दूसरे से कैसे रिलेटेड थे।